हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्ट्रेस के साथ कैप बनाना सीखेंगे। इस कैप में मैंने पर्ल, स्टोन चेन, रेशम के धागे और जरी के धागे से इस कैप को मैंने कंप्लीट किया है। इस ड्रेस में हमने पहले पैचेस बनाए थे, फिर अपनी ड्रेस बनाई थी, उसके बाद हमने अपने फ्लावर बनाए थे, उसके बाद पिछले वीडियो में पटका बनाया था, आज हम अपनी कैप बनाएंगे। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। इस ड्रेस में पैचेस, फ्लावर, ड्रेस का और पटके का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इस तरह आज हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम अपनी कैप बनाना सीखेंगे। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हमारी ये ड्रेस जन्माष्टमी के लिए कंप्लीट हो जाती है। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रेस के साथ की कैप बनाने के लिए मैंने एक ये कार्ड का पीस लिया है। ये पीस आप अपने लड्डू गोपाल के सर के नाप से राउंड कर लीजिए और ऊपर की तरफ मैंने इसे साढ़े तीन या चार सेमी की लंबाई कर लेती हूँ मैं। अगर आपके पास इस तरह की ये ईयर रिंग कैप होती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके लिए मैंने कागज़ यूज़ किया है। तो मैंने आज इस तरह से कागज़ से आपको ये बनाना बताऊंगी, इस पेपर से। तो मैं इसे अपने लड्डू गोपाल के से आप नाप लीजिए जितना आपको चाहिए, इसे मैं यहाँ से चिपका लेती हूँ। जितने भी हमको ज़रूरत रहती है उतना हम चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद इसे हम ड्राई होने देते हैं। अभी हमारा ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद नीचे की तरफ आधा इंच के ऊपर हम इस तरह से किसी भी चीज़ से पेंसिल पेन से निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद जो हमारा ऊपर का पार्ट है पूरा, इसे हम बारीक बारीक पट्टियों में काट लेते हैं। नीचे का हिस्सा तो हम छोड़ देते हैं और इसे बारीक बारीक पट्टियों में इस तरह से कैंची से हम कट कर लेते हैं। इसे मैंने सभी जगह बारीक बारीक पट्टियों में कट कर लिया है। अब इसे ऊपर की तरफ से हम इस तरह से अंदर की तरफ डालते हैं। तो हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है तो ऊपर से हम हल्का सा पट्टियों को और काट लेते हैं। ये हमारा कट गया ऊपर से। अब इसे अंदर की तरफ से हम इस तरह फोल्ड कर देते हैं। इस तरह हम इसे यूँ फोल्ड करते हैं। यूँ फोल्ड करते हुए हम इसे फेविकोल लगा देते हैं। तो ये हमारे एक ईयर रिंग के प्लास्टिक इस बेस की तरह तैयार हो जाती है। तो मैं इसे फेविकोल लगा देती हूँ सभी जगह। तो इस तरह हम इसमें फेविकोल थोड़ा मंदर भी लगा देते हैं इसमें, इस तरह फेविकोल, इस तरह दोनों तरफ इसमें इस तरह फेविकोल लगा देते हैं। दोनों तरफ फेविकोल लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। इस तरह हम इसे फोल्ड कर देते हैं और इसे थोड़ी देर हम इस तरह से पकड़ के रखते हैं जिससे हल्का सा हमारा ड्राई हो जाता है। तो मैं इसे अब सिर से ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। इस तरह हमारा ये ड्राई हो जाता है तो हमारी ये एक ईयर रिंग कैप के जैसे बन जाती है। अब इसका हम इस तरह का एक कार्डबोर्ड लेते हैं, इसके ऊपर इसका राउंड बना लेते हैं और इसे हम काट लेते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बार की तरफ छोड़ते हैं हम इसे। इस तरह के हम दो पीस कट कर लेते हैं। इसे अंदर की तरफ कट करने के लिए अगर कैंची से कट नहीं होता है तो हम इस तरह के कटर से इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। तो मैं दोनों पीस कट कर लेती हूँ। अब हमने दोनों पीस गत्ते के काट लिए हैं। जो हम दूसरा पीस काटते हैं उसे बाहर की तरफ से थोड़ा छोटा काटते हैं और अंदर की तरफ से हम इसे थोड़ा बड़ा काटते हैं। इन दोनों पीसों को हम फेविकोल से चिपका देते हैं। अब हम रानी कलर का सिल्क का धागा लेते हैं। इसे मैंने 8 से 10 लड़ लिया है, जिसे हम गत्ते पे या किसी हार्ड चीज़ पे राउंड करके इसे बना लेते हैं। अब इसके दोनों मुंह को मैं फेविकोल से चिपका देती हूँ।
अभी हमने दोनों पीस आपस में चिपका लिए हैं, ड्राई हो गए। अब हम रेशम का धागा लेते हैं हमने, जिसे मैंने 10 लड़के करीब लिए हैं। अब इसे इसके ऊपर मैं राउंड कर देती हूँ। इस तरह करते हम इसे पूरे को राउंड कर देते हैं। मैंने अपने राउंड पे रेशमी धागा लपेट लिया है। हम इस तरह का गोल्डन धागा आता है, बारीक धागा होता है, इसे जरी के रूप में भी काम में लेते हैं हम लोग। तो ये बारीक गोल्डन धागा रहता है इस तरह का। तो इसे मैंने गत्तरे से इस तरह 6 लड़ लपेट लिया है इसे। ऐसे हम रेशम के धागे को लपेटते हैं। अब इसे इसे हम अपने घेरे पे लगाते हैं। तो मैं इसे कहीं कहीं लगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट किया। एक जगह में 3 बार लगाऊंगी इसे, 3 बार लगाते हुए मैं इसे यहीं से हल्का सा टेढ़ा ले लेती हूँ। और टेढ़ा लेने के बाद मैं इसे आगे की तरफ फिर कर लेती हूँ इस तरह से। टेढ़ा लेने के बाद इसे अंदर की तरफ से इस तरह यहाँ पे हम वापस से 3 बार ले लेते हैं इसे। इसको मैं वापस यहाँ पे 3 बार ले लेती हूँ। वापस से हम इसे टेढ़ा ले आते हैं और अपनी अगली रो पे लगा लेते हैं। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं ये अपने रेशम का गोल्डन धागा है, ये मैं इसे लपेट लेते हैं। तो मैंने अपने घेरे पे इसे लगा लिया, इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर हम जो हमारा कपड़ा था रानी कलर का, वो कपड़ा हम पेस्ट कर लेते हैं फेविकोल से। तो मैं इसके ऊपर चारों तरफ फेविकोल लगा देती हूँ इस तरह से। फिर मैंने इस पर फेविकोल लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये रानी कलर का कपड़ा इस तरह से पेस्ट कर देती हूँ और इसे चारों तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेती हूँ, जो मैं अंदर की तरफ इसमें हल्का सा कट कर लेते हैं जो बड़े पीस हैं मेरे। इसके चारों तरफ भी मैं फेविकोल लगा देती हूँ और इन कपड़ों को मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर देती हूँ। पहले सोरा कट थोड़ा इनको आगे से कट कर लेती हूँ मैं सभी जगह से। इस तरह से इसको कट कर लेती हूँ। चारों तरफ से कट कर लिया है, अंदर में फेविकोल लगा देती हूँ। इन पीसों को मैं इस तरह अंदर ले जाते हुए अंदर चिपका देती हूँ। थोड़ा हमारे साइज से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम कपड़ा लगाते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है, हल्का सा हम साइज से बढ़ा ले लेते हैं। इसको अंदर की तरफ मैं अच्छे से चिपका देती हूँ। अंदर से चिपकने के बाद हमारी इस तरह से हो जाती है ऊपर। अब अंदर जो हमारे पीसेस बच जाते हैं चिपकाने के लिए, मैं इसमें अंदर की तरफ भी एक प्लेन का इस तरह ये हमारा बाहर की तरफ पेस्ट हो जाता है, इस तरह अंदर की तरफ। अब इसे हम ड्राई हो जाने देते हैं। तो मैंने अपने घेरे पे इसे लगा लिया, इसे कंप्लीट कर लिया।
अब हम अपना ऊपर का हिस्सा लेते हैं, चाहे तो हम इसे फेविकॉल से चिपका सकते हैं या फिर ये मार्केट में फेविबोंड आराम से मिल जाती है। आज मैं हॉट ग्लू से नहीं चिपका रही, आप इसे यूज़ कर सकते, नहीं मैं इसे हॉट ग्लू से भी चिपका सकती हूँ, मैं आज इसी से आपको चिपकाना बता रही हूँ। तो मैं इसे इसके ऊपर इस तरह लगा के, जिसे आप इसे घर पे आसानी से बना लें अगर आपके पास हॉट ग्लू ना हो तो, कि मैं आज इसे फेविबोंड से आपको चिपकाना बता रही हूँ। तो मैं इसके ऊपर इसे इस तरह से चिपका लेती हूँ, इसे थोड़ी देर हम दबा के रख लेते हैं जिससे ये चिपक जाते। इस तरह हमारी ये ऊपर का हिस्सा हमारे बेस पे चिपक गया है। अब इसके चारों तरफ हम इस तरह के राउंड शेप हाफ पर लगाएंगे जो हमने अपने ड्रेस में लगाए, अपनी ड्रेस में जो हमने सेंटर में लगाए थे वो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। इसके चारों तरफ फेविकोल लगा दूंगी मैं। भी एक रो में हाफ पल की इस तरह लगा देते हैं उस पर। इस तरह लगाते हुए रो कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसके ऊपर दो रो मोतियों की लगा ली। अब इसके ऊपर हम स्टोन चेन लगाते हैं। इसके ऊपर मैं स्टोन चेन की रो लगा देती हूँ। स्टोन चेन मैंने को इसके बिल्कुल पास पास में, सभी स्टोन को पास में करते हुए लगाने, बीच में गैप नहीं रहना क्योंकि मेरे पास गैप वाली स्टोन चेन है। फिर मैंने स्टोन जोन चैन की रो एक रो लगा ली है। इस सभी पूरे ऊपर वाले सभी हिस्से पे मैं स्टोन चैन की रो लगा, इस तरह हमने सभी जगह स्टोन चैन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। ऊपर की तरफ मैंने एक बारीक वाला राउंड मोती लगाया, इस तरह ऊपर का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। अब हम साइड में भी यहाँ पे राउंड मोती लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था। इस तरह के मैं राउंड मोती लेती हूँ और साथ में मैं ये शुगर बीट चीर लेती हूँ गोल्डन कलर की। आपके पास अगर ये ना हो तो छोटा गोल्डन मोती हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे निडल में डाल लेती हूँ, एक वाइट मोती डालती हूँ मैं और एक चीर डाल लेती हूँ। फिर हम ये एक एक करके मैं पूरा डाल लेती हूँ। इस तरह मैंने ये सभी जगह एक एक शुगर बीट और एक एक पर्ल पिरो के से पूरी बना लिया है। अब ये इसके हम चारों तरफ इस तरह राउंड करते हैं तो इसके पूरा आ जाता है। तो जो हमने लास्ट वाला मुंह था इसका, ये हमने डबल धागा लिया था, तो मैं इसके अंदर से इसमें अपनी सुई को डाल लेती हूँ जिससे ये एक राउंड बन जाएगा। हमारे राउंड बन जाता है। अगर हम इसको चाहें पक्का करना तो इसके अंदर से वापस हम अपनी सुई को एक बार और निकाल लेते हैं। इस तरह मैं अपनी सुई को वापस निकाल लेती हूँ, इसमें से सभी मोतियों में से निकाल लेती हूँ। इस तरह हमारे राउंड मजबूत हो जाता है जिससे
टूटने का डर नहीं रहता है। इस तरह हमारे राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक नोट लगा के अपने धागे को काट लेते हैं। अब इसे हम अपने कैप के इस तरह दोनों तरफ पूरे लगा देते हैं इसको। तो इसे अब हम फेवी बॉन्ड से लगाते हैं, ये बॉन्ड ग्रिप है जो, नहीं तो हम इसे हॉट ग्लू से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेवी बॉन्ड से आपको लगा के दिखा देती हूँ। इसके चारों तरफ इस तरह हम लगा देते हैं इसे। इसको हम इस तरह थोड़ी देर दबा के रख लेते हैं जिससे हमारा ये चिपक जाता है। अभी हमारा ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद हमारा कैप के अच्छे से चिपक जाता है। इस तरह हमारी कैप भी तैयार हो जाती है। तो अपने ड्रेस के हमने कैप बना लिए और ये पटका बना लिए। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। इस ड्रेस में हमने कैप बना ली, पटका बना लिया, बूटी और फ्लावर सभी बना लिए, तो हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। इस ड्रेस में हमने सभी चीज़ें बना ली, पैचेस बना लिए, फ्लावर बना लिए, हमारी ड्रेस बना ली, कान्हा जी की कैप बना ली और पटका बना लिया। इस तरह हम अपनी ये पूरी ड्रेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैम जन्माष्टमी के लिए बनाई थी। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।